इनका विरोध प्रदर्शन करने आए थे, सवाल करने आए थे, पर यहाँ हमसे धक्का मुक्की हुई है। हम जहां पर आज अपने रोजगार को पक्का कराने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि हम वक्त-वक्त डिपार्टमेंट में कच्चे रोजगार पर लगे हुए हैं। कैप्टन सरकार ने हमारे साथ वादा किया था कि जब हमारी सरकार आएगी तब आपके रोजगार को पक्का कर दिया जाएगा, लेकिन 5 साल बीतने के बाद भी एक भी आदमी को इन्होंने पक्का नहीं किया, रेगुलर नहीं किया। और आज यहाँ रामपुरा में जो चरणजीत चन्नी मुख्यमंत्री बने हैं, ये अपनी रैली करने के लिए आए हैं, हम इनसे मांग ये पूछ रहे हैं कि जो 5 साल पहले आपने वादा किया था उन वादों का क्या हुआ। इसलिए हम जहाँ पर आज वक्त डिपार्टमेंट से जो एम्प्लाई आए हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप मीडिया के जरिए इन मुख्यमंत्री से पूछ लो भी 36,000 कौन है, किसी को नहीं पता। जो बड़े बड़े फ्लैक्स करोड़ों रुपया हमारे पंजाब का खर्च कर दिया इन्होंने, यहाँ पर हम पूछना चाहते हैं 36,000 कौन है। सरकार ने 4.5 साल पहले वादा किया भी ठेके प्रणाली बंद करके जो विभागों में काम कर रहे हैं उनको महकमे में मर्ज करेंगे, ठेकेदारी सिस्टम बंद करेंगे, पर आज 4.5 साल बाद कोई भी अपना वादा पूरा नहीं किया। जो ठेका मुलाजम हैं वो 7-7, 8-8 हज़ार थे, बहुत ज़्यादा खुदकुशियां कर्जे के राह पड़े हुए हैं, ये सरकार उनकी बात नहीं सुन रही। 19 तारीख को मीटिंग हुई है चन्नी सरकार ने पंजाब सरकार के साथ, इन्होंने कहा कि 2 दिन के अंदर अंदर आपको विभागों में मर्ज किया जाएगा। हम इनका विरोध प्रदर्शन करने आए थे, सवाल करने आए थे, पर यहाँ हमसे धक्का मुक्की हुई है, हमारे जो साथी हैं उनकी पगड़ी उतारी गई है। आने वाले दिनों में अगर चुन जाता भी लग जाए, यह संघर्ष ऐसे जारी रहेगा।